बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। दोनों टीमों के कप्तानों ने किए बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतरीन जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, पहले मुकाबले में शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने जा रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिग्गज खिलाड़ी भी इस मुकाबले से बाहर होते हुए नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के बेहतरीन बल्लेबाज डेविड वार्नर की, जो शायद अगला मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड, जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में भी हैं। ऐसे में यहां पर बड़े बदलाव की संभावना जरूर है। तो चले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा के साथ इस बार ट्रेविस हेड उतरने वाले हैं। इन दोनों बल्लेबाजों से काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की टीम जरूर करेगी। इसके बाद नंबर 3 पर मार्नस लाबुसाने उतरेंगे तो नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ उतरेंगे। दुनिया के नंबर 1 व नंबर 2 बल्लेबाजों को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 5 पर हमें कैमरून ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे तो नंबर 6 पर इस टीम की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी। तो वहीं पर नंबर 7 पर हमें पीटर हैंडस्कोप खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों नंबर 8 पर पैट कमिंस दिखेंगे तो नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क उतरेंगे, जबकि नंबर 10 पर मर्फी उतरेंगे तो नंबर 11 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे नेथन लियोन। यानी कि दोस्तों, काफी शानदार प्लेइंग 11 नजर आ रही है। हालांकि मिचेल स्टार्क की वापसी के बाद अब ये टीम और भी मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ पर मिचेल स्टार्क के आने से इनकी गेंदबाजी में ताकत तो आएगी, साथ ही वो बल्लेबाजी में भी कमाल करके दिखा सकते हैं। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरी तरफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल। दो बेहतरीन प्लेयर इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन केएल राहुल के लिए ये आखिरी मौका है। अगर यहाँ पर बड़ी पारी नहीं खेले तो तीसरे टेस्ट मुकाबले में इनका नंबर नहीं आएगा। वहीं पर रोहित तो कमाल कर ही चुके हैं। इसके बाद नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा, तो इनसे भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसके बाद नंबर 4 पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली उतरेंगे। अपनी फॉर्म को यहाँ पर हासिल करने का इनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में ये खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव को और मौका मिलेगा। इसके बाद नंबर 6 पर हमें रविंदर जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे तो नंबर 7 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज के एस परत, जबकि नंबर 8 पर दिखेंगे यहाँ पर अक्षर पटेल, तो नंबर 9 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे रविचंद्रन अश्विन। यानी कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में काफ़ी डीप है। वहीं पर इसके बाद हम बात करें नंबर 10 की, तो यहाँ पर मोहम्मद शमी उतरेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में गेंद से तो कमाल किया था, साथ ही बल्ले से भी कमाल करके दिखाया था, तो इनसे एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 11 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी कमाल का रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। तो ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर शुरू होगा 17 फरवरी को। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।